कुमार शर्मा, मैथमेटिक्स फैकल्टी मेंबर, मेजर कलसी क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड इलाहाबाद, एनडीए 2018 फर्स्ट का ट्रिग्नोमेट्री का टिप्स एंड ट्रिक्स बता रहे हैं, जिससे कि आप इन चैप्टरों को इन मेथड से हेल्प लेकर के आप एग्ज़ाम को निकाल सकते हैं। पहला चैप्टर इसमें हम दिए हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आइडेंटिटी एंड इक्वेशन। इससे रिलेटेड 4 से 6 तक क्वेश्चन कंफर्म आते हैं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन से 2 से 3 तक प्रश्न आते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल से रिलेटेड 2 से 3 प्रश्न आते हैं। हाइट एंड डिस्टेंस से 2 से 3 तक प्रश्न एग्जाम में आते हैं। अब इसमें हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आइडेंटिटी एंड इक्वेशन के कुछ ट्रिक्स आपको बताते हैं, जिससे कि हेल्प लेकर के आप सॉल्व कर सकते हैं। सपोज करिए ट्रिक्स नंबर फर्स्ट, इफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू 2, यदि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स की वैल्यू 2 के इक्वल दिया है और माइनस 2 के इक्वल दिया है, तो देन साइन एक्स और कॉसेक एक्स की वैल्यू हम यदि प्लस 2 है तो 1 लिया जाएगा, और माइनस 2 यदि दिया है तो साइन एक्स और कॉसेक एक्स की वैल्यू -1 लिया जाएगा। जैसे इस पर एग्जांपल देता है कि इफ साइन एक्स और प्लस कॉसेक एक्स इज इक्वल टू 2, तो देन द वैल्यू ऑफ साइन टू द पावर 5x और प्लस कॉसेक टू द पावर 7x इज, इसकी वैल्यू आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, क्योंकि साइन एक्स प्लस कॉसेक एक्स की वैल्यू 2 दिया है, तो साइन एक्स की वैल्यू हम 1 ले लेंगे, कॉसेक एक्स की वैल्यू भी 1 ले लेंगे, तो इसकी वैल्यू हम निकालेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगा 1 to the power 5 प्लस इसकी वैल्यू भी 1 होगा, तो 1 to the power 7 और 1 की वैल्यू 5 इज इक्वल टू 1 होगा, 1 to the power 7 की वैल्यू 1 होगा, इसे प्लस करेंगे तो 2 ही होगा। यही चीज यदि -2 दिया होता तो यहाँ माइनस होता, ये भी माइनस होता। फॉर एग्जांपल इफ साइन एक्स और प्लस कॉसेक एक्स इज इक्वल टू -2, तो देन साइन टू दी पावर 10x और प्लस कॉसेक एक्स टू दी पावर 9x इज इक्वल टू, साइन और कॉसेक एक्स की वैल्यू ट्रिक्स के अकॉर्डिंग -1 है। अब यहाँ हम -1, यहाँ भी -1 रख करके सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -1 to the power 10, और कॉसेक की वैल्यू भी यहाँ पर -1 है तो ये हो जाएगा -1 to the power 9। -1 to the power 10 की वैल्यू +1 होगा और -1 की वैल्यू 9 की वैल्यू -1 हो जाएगा, और इसे सॉल्व करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो इस टाइप का कोई भी प्रश्न यदि एग्जाम में देता है तो साइन एक्स प्लस कॉसेक एक्स यदि 2 के इक्वल दिया है तो दोनों की वैल्यू हम +1 ले करके सॉल्व करेंगे। यदि साइन एक्स प्लस कॉसेक की वैल्यू -2 दिया है तो दोनों की वैल्यू हम -1 लेकर के सॉल्यूशन करेंगे। ठीक यही प्रोसेस नेक्स्ट ट्रिक में भी आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे नेक्स्ट ट्रिक, सेकेंड ट्रिक, इफ कॉस एक्स
प्लस से एक्स इजिकल टू टू या माइनस टू दिया है तो यहाँ भी वही मेथड हम लगाएंगे। देयरफॉर कॉस एक्स सेक एक्स इसकी वैल्यू यदि पॉजिटिव है तो वन होगा, यदि माइनस में है तो ये हो जाएगा माइनस वन। एग्जाम्पल जैसे देख लीजिए, इफ कॉस एक्स और प्लस सेक एक्स इजिकल टू टू तो देन द वैल्यू ऑफ कॉस टू द पावर 100x प्लस सेक टू द पावर 50x। अब आप इसे सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि दोनों की वैल्यू हम 1 ले लेंगे और 1 का पावर 100 इज इक्वल टू 1 होता है, सेक टू द पावर 50 है तो 1 टू द पावर 50 की वैल्यू भी 1 हो जाएगा और 1 में 1 प्लस कर देंगे इसकी वैल्यू भी 1 आएगा इसका भी और दोनों को प्लस करेंगे तो 2 हो जाएगा। थर्ड ट्रिक, इफ टैन एक्स प्लस कॉट एक्स या भी 2 या माइनस 2 के इक्वल है तो देन टैन एक्स और कॉट एक्स की वैल्यू यदि 2 प्लस में दिया है तो ये माइनस 1 इसका भी होगा और इसका भी वैल्यू, यदि माइनस 2 है तो दोनों की वैल्यू हम माइनस वन लेकर के सॉल्यूशन कर लेंगे। नेक्स्ट ट्रिक, इस टाइप का एनडीए में पूछा भी गया है, इफ सेक एक्स प्लस टैन एक्स की वैल्यू यदि पी दिया है और इसकी वैल्यू देने के बाद साइन एक्स पूछ देता है, कभी कभी टैन एक्स की वैल्यू पूछता है, कभी सेक की वैल्यू या किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिकल की वैल्यू पूछ रहा है तो आप जो ट्रिक्स बता रहे हैं उसकी सहायता से सॉल्व कर सकते हैं। देन ये दिया है प्लस में और पी के इक्वल दिया है तो अब इसे हम माइनस यदि कर दें, इसका इनवर्स ले लें, निगेटिव हो गया ये माइनस टैन एक्स तो ये भी इनवर्स हो जाएगा 1/p। यदि ये दिया है तो इनवर्स लेकर के एक रिलेशन और बना लेंगे और दोनों को सॉल्व करके किसी एक ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यू निकाल करके राइट एंगल बनाइए और उसकी सहायता से किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिकल की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट ट्रिक, इफ कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स इज इक्वल टू सपोज दैट क्यू दिया है तो यही मेथड यहाँ भी हम अप्लाई कर लेंगे। देन कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स विच इज इक्वल टू 1/q हो जाएगा और इन दोनों रिलेशन को आप सॉल्व करके फिर निकाल सकते हैं। जैसे एग्जांपल, इफ सेक एक्स प्लस टैन एक्स इज इक्वल टू 3 देन फाइंड साइन एक्स की वैल्यू फाइंड करना है तो ये सॉल्व हो जाएगा। सेक एक्स प्लस टैन एक्स की वैल्यू प्रश्न में दिया है 3 तो सेक एक्स ट्रिक्स के द्वारा माइनस टैन एक्स की वैल्यू 1/3 होगा, दोनों को प्लस कर लेंगे टैन एक्स निगलेट हुआ, सेक सेक 2 सेक एक्स होगा और 3 में 1/3 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 10/3। सेक एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 2 से डिवाइड कर दीजिए 5/3। अब आप जानते हैं कि ये हाइपोटेनस बाई बेस होता है, कर्ण बटे आधार होता है, लंब की वैल्यू आप निकाल सकते हैं अर्थात पी इज इक्वल टू रूट ओवर 5² - 3² इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। तो देयरफॉर साइन एक्स इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, पी की वैल्यू हम वो निकाले हैं हाइपोटेनस 5 है ये आ जाएगा। तो किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन की वैल्यू आप यदि इस कंडीशन में देता है तो आसानी से आप फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट ट्रिक,
if a sin x plus b cos x is equal to c दिया है, a sin x plus b cos x, हो सकता है यहाँ नेगेटिव की वैल्यू भी दिया हो, यदि नेगेटिव देता है तो पॉजिटिव पूछता है, पॉजिटिव यदि दिया है तो नेगेटिव की वैल्यू पूछता है और कोफिशेंट को चेंज कर देता है, जैसे हम कोफिशेंट चेंज कर रहे हैं, ये पूछ देता है कि देन a cos को हम यहाँ कर दिए माइनस b sin x, इसकी वैल्यू क्या होगा, तो इसकी वैल्यू जब आप निकालेंगे प्लस माइनस रूट ओवर साइन एक्स का कोएफिशिएंट का स्क्वायर, कॉस एक्स का कोएफिशिएंट का स्क्वायर और काशी टर्म का स्क्वायर माइनस में, इस फार्मूले की सहायता से आप इस टाइप के वैल्यू देने पर इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं यह मेथड यूज करके। फॉर एग्जाम्पल इफ रूट थ्री साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू वन, यहाँ रूट टू सपोज, देन द वैल्यू ऑफ रूट टू साइन एक्स माइनस रूट थ्री कॉस एक्स इज, फाइंड कर सकते हैं उस फॉर्मूले की सहायता से, ये चाहे इधर लिखिए चाहे उधर लिखिए, मैंने जैसे भी पूछ रहा है आप वही मेथड अप्लाई करेंगे, तो फॉर्मूले की सहायता से इसकी वैल्यू हो जाएगा रूट टू साइन एक्स माइनस रूट थ्री कॉस एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट ओवर, इसका कोएफिशिएंट रूट थ्री है, इसका स्क्वायर करेंगे थ्री होगा, रूट टू का स्क्वायर करेंगे टू हो जाएगा और कांस्टेंट टर्म है वन, तो ये हो जाएगा वन स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस, तीन दो पाँच, पाँच से घटा देंगे चार हो जाएगा, चार का वर्गमूल होता है प्लस माइनस टू, ये आंसर हो जाएगा। तो इस मेथड की सहायता से आप ऐसे प्रश्नों को आसानी से सोल्यूशन कर सकते हैं। नेक्स्ट ट्रिक, साइन अल्फा इफ साइन अल्फा इंटू साइन टू अल्फा इंटू साइन फोर अल्फा, इस टाइप का यदि कोई भी प्रश्न है आता है एनडीए में, तो आप ये ट्रिक अप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं बहुत जल्दी। साइन अल्फा इंटू साइन, यहाँ साइन टू अल्फा है साइन फोर अल्फा, अर्थात इसके एंगल जो दिखाई दे रहे हैं वो जीपी में होने चाहिए, अल्फा टू अल्फा फोर अल्फा, टू अल्फा में अल्फा से डिवाइड करने पर टू, इसमें डिवाइड करेंगे तो टू, अर्थात कॉमन रेशियो टू आ रहा है, थ्री आ सकता है फोर आ सकता है, अर्थात जीपी में कंडीशन होना चाहिए, तो ये यदि जीपी में है तो आप यह फार्मूला अप्लाई करिए, वन अपान फोर साइन थ्री अल्फा और अल्फा यहाँ है, उसी को थ्री टाइम्स कर लीजिए और वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। इसी का दूसरा पार्ट भी है, इफ कास के भी फार्म में है तब भी यही मेथड आप अप्लाई करेंगे, टैन के फार्म में यदि दिया है टैन अल्फा टैन टू अल्फा टैन फोर अल्फा, तो ये भी हो जाएगा टैन थ्री अल्फा, जैसे एग्जांपल आप देखिए इस पर,
the value of sin 20 degree into sin 40 degree into sin 80 degree. इसकी वैल्यू फाइंड करना है, आप उस ट्रिक को अप्लाई करिए, बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा. इसकी वैल्यू हो जाएगा 1/4 साइन अल्फा, ये हमारा 20 डिग्री है, ये 2 अल्फा है, ये 4 अल्फा है, तो ये हो जाएगा अल्फा इज इक्वल टू 20 डिग्री, तो 3 × 20 degree 1/4 साइन मल्टीप्लाई कर दीजिए 60 डिग्री, और साइन 60 की वैल्यू होता है √3/4, मल्टीप्लाई कर देंगे √3/16 हो जाएगा. यदि ये टिप्स एंड ट्रिक्स आपको अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और एमकेसी का यदि कोई भी बुक परचेज करना हो तो मेजर गलसी का पब्लिकेशन पर आप ऑनलाइन खरीदारी कर सकते हैं. जय हिंद.